भैया बहुत बहुत नमस्कार। श्री उद्धव जी, आदित्य जी और सुभाष जी ने आज मुझे इतने सम्मान से पार्टी में जोड़ा है, परिवार के रूप में, परिवार के सदस्य में जोड़ा है, उसकी मैं बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी कुछ पृष्ठभूमि देना चाहती हूँ जिससे मैं आपके बीच में ये समझा सकूँ कि मुंबई और महाराष्ट्र से मेरे क्या रिश्ते हैं। मेरी जन्मभूमि ही नहीं, मेरी कर्मभूमि रही है। 2008 में जब मैं खुद सर्विस में काम कर रही थी, खुद की नौकरी थी, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, और जब 26 ज़्यादा हुआ था तो उससे मुझे बहुत चोट पहुंची थी। और मुंबई का होने के नाते मुझे लगा था कि अगर आज मैं जागरूक मुंबई का ना बनकर, मुंबई के लोगों के साथ हाथ में हाथ लगाकर उनकी सेवा में शुरुआत नहीं करूँ तो मैं मुंबई का होने के नाते अपने आप को फेल कर रही हूँ। और उसी के चलते मैंने एक संगठन शुरू किया था जो छोटे बच्चों को पढ़ाता था, शिक्षा देता था, इस उम्मीद में कि मैं आने वाली जो पीढ़ी है वो किसी तरीके से बुरे कामों से प्रभावित होकर ऐसे काम ना करे जो हमारे देश के लिए हानिकारक हो, मेरे शहर के लिए हानिकारक हो। बचपन से यहाँ पे पली बड़ी हूँ, मैंने सुरक्षा देखी है किस तरीके से मुंबई को, मैं रात में 2 बजे भी जाऊँ, कोई नौकरी करना चाहूँ, कोई कपड़े पहनना चाहूँ, किसी तरीके की रोक टोक नहीं। और यही सोच विचार लेकर मैं जब राजनीति से जुड़ी, मैं यही उम्मीद से लेकर गई थी कि ऐसी मुंबई मुझे 10 जगह और बनानी है। और यही सोच मुझे लेकर जानी है, महिलाओं का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, वो मेरे बहुत ही करीब था। और जुट काम करते करते मैं मुंबई से अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रही थी। अब जब मैं सोचती हूँ कि मैंने मुंबई के लिए और मुंबई की जनता के लिए जो मुंबई की दिक्कतें हैं, जो मुंबई की तकलीफें हैं महिलाओं को लेकर, मैंने बहुत पुनर्विचार किया और मैंने सोचा इसके बारे में कि मैं वापस अपने रूट से जुड़ना चाहती हूँ। और जिसकी मैंने शुरुआत की थी, जिस मंशा से शुरुआत की थी, वहीं कहीं मैं अपने आप को भूल गई हूँ। और जब मैंने मुंबई वापस लौटने का विचार बनाया, मुंबई में काम करने का विचार बनाया, तो मुझे इस संगठन से ज़्यादा कोई और संगठन अब समझ में नहीं आ रहा है जहाँ पे मैं जिस भाव से आना चाहती हूँ, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, यहाँ के मुद्दों को लेकर, इसकी आवाज़ बनकर, मैं मानती हूँ इससे बड़ा मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और क्योंकि मैं महिला सम्मान की बात कर रही हूँ बार बार, मुझे पता है आप सबके मन में ये प्रश्न है कि 10 साल एक राजनीतिक दल को देने के बाद मैंने ये क्यों निर्णय लिया है। वो 10 साल राजनीति के मेरे बहुत ही, मैं मानती हूँ कि प्रभावशाली रहे होंगे किसी तरीके से, पर उससे ज़्यादा मैं मानती थी कि महिलाओं के मुद्दों को लेकर मैं अपनी आवाज़ मजबूती से रख सकती हूँ। बहुत बार हुआ कि मैं देखती थी कि सोशल मीडिया पे मेरी ट्रोलिंग होती थी, क्योंकि मेरे विचार को मैं जाहिर करती थी और बिंदास होकर, मुंबई का नाम ही बिंदास है, तो बिंदास तरीके से जब मैं बात करती थी वो मुझे अब्यूज मिलता था, ट्रोलिंग मिलती थी, मुझे मिलती थी, मेरे परिवार को मिलती थी। फिर भी मैं झगड़ती रहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आज अगर महिला होने के नाते मैं नहीं बात करती हूँ, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं लड़ती हूँ, लोगों की विश्वास की लड़ाई नहीं लड़ती हूँ, तो मैं जो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो इस माध्यम से जुड़ना चाहती हैं, देश की राजनीति से जुड़ना चाहती हैं, उनको मैं कैसे सक्षम बना सकती हूँ। पर दुख मुझे इस बात का तब हुआ, खुद ही पार्टी के कुछ लोगों ने इस तरीके की टिप्पणी की मेरे बारे में। उम्मीद ये थी कि सस्पेंशन हुआ, मैंने ज़्यादा किसी के सामने बोला नहीं था, जो इंचार्ज थे वहाँ पर रखा। पर जब रीइंस्टेट कर किसी को वापस बुलाया जाता है, ये दरकिनार कर दिया जाता है कि एक महिला जिसने अपना 10 साल बगैर राजनीति से जुड़ी, एट अ ग्रेट पर्सनल कॉस्ट उन्होंने ये काम किया है, और वो इसीलिए किया है क्योंकि वो दिल से सेवा भाव से कर रही हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी वर्षा के, बट टू चेंज द सोसाइटी, चेंज द पॉलिटिकल सिनेरियो एंड चेंज हाउ वुमेन आर लुक्ड एट एंड परसीव्ड इन दिस कंट्री। बहुत लेटडाउन वाली फीलिंग हुई और मुझे लगा मेरी आत्मसम्मान की लड़ाई अगर आज मैंने नहीं लड़ी तो बहुत सारी महिलाएं हैं वहाँ पर जिनको मैं फेल कर, तो इसलिए मैं
आपने ये मन बनाया है, मैं जानती हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद मेरे ट्विटर अकाउंट पर नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी मैंने टिप्पणियाँ दी हैं पास में वो खींची जाएंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे मन को लेकर सवाल उठाए जाएंगे कि कैसे ये बदलाव आया, पर मैं ये कह सकती हूँ और आज इस मंच से टोटल कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, मैंने सब सोचकर, सब समझकर और जानकर कि मेरी जिम्मेदारी में किसके प्रति है, किन मुद्दों के प्रति है, वो सब चुनकर और सोचकर समझकर मैंने शिवसेना में जुड़ने का मन बनाया है। और मेरे आने वाले समय में सारे शिवसैनिक भाई बहन, युवतियाँ, युवा, सबके साथ मैं काम करूँगी और उद्धव जी की लीडरशिप में, आदित्य जी की डायनामिक यूथ लीडरशिप में, जहाँ भी मैं पार्टी को मजबूत कर सकती हूँ, मुंबई में नहीं, देश में, महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर कोई भी देश के राज्य हो, वहाँ पर मैं वहाँ पर मजबूती से काम करूँगी, सशक्त बनाने का काम करूँगी और पार्टी की जो आइडियाज़ हैं उसको देश भर में लेकर जाने का कर्तव्य निभाऊंगी। आपके मन में किसी भी सवाल, हमने शिवसेना को ही क्यों चुना? प्रियंका, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वन ऑफ द स्पेकुलेशन इज दैट यू आर अपसेट ओवर नॉट बीइंग गिवन अ टिकट इन मुंबई बाय द कांग्रेस, हाउ वुड यू रिस्पोंड टू दैट? एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू, आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई गेस आई वाज सीकिंग अ टिकट, आई वाज होपफुल दैट द पार्टी वुड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू पॉलिटिकली रिप्रेजेंट द पार्टी, बीइंग द वॉइस ऑफ द पार्टी for so many years would give me, have that faith in me to be able to take it to the next level. But there was never a doubt in my mind that if that decision did not have come my way, it will lead to any bitterness. That was never the reason. The reason has always been that when we talk about women empowerment, when we talk about women's safety, when we talk about women's issues, then we have to live by them. Within your house, and outside. And I can just tell you one example. As a woman, if a family member, let's say sexually assaults you, I'm just giving an example to understand what a woman feels. You are sexually assaulted inside the house and you approach your mother and you tell her that something like this has happened by some one of the family members. Can you stand up for me? And the mother says, listen, don't talk about it, it will create a controversy. Hush it up now, we will talk about it, we will take decisive action, but you know, let's just move on. So that is when a child who is going to her mother looking for her support and that is missing, you feel let go. So that is Thank you, let me rephrase this because I don't want another controversy coming my way. Let me rephrase this. I was only giving you all an example and there was no way that the party expected me to. Considering I've gone public and I've expressed my displeasure, but at the same time felt that there is a need to stand up for what I stand for, I have done that. You are hoping that party leadership will take care of your aspirations. Will you share what was your aspirations in that party? No, my aspirations... Apart from ticket. Okay, let me tell you. When I joined the political party, I joined with the total belief in liberal, progressive, young leadership, getting a chance to be a part of a political system. And I have also been given whatever. I come with no acrimony. I come with no misgivings. But I come forward with that belief that not just with my aspirations or what I espouse, I need to take it to the next level. आपको मुंबई या फिर मथुरा से टिकट नहीं दिया गया, इसकी वजह से आपने मैंने मथुरा से टिकट भी नहीं दी।
हिंदी में यही बताइए क्या टिकट की वजह से अपनी पार्टी जो भी बताया जा रहा है उसको लेकर क्या कहना? मैंने मथुरा से टिकट नहीं मांगी थी. मथुरा मेरे परिवार, मेरे माता पिता वहाँ से आते हैं. मथुरा में उनका घर भी है. मथुरा से मेरा जुड़ाव भी हमेशा रहेगा. मेरा सोशल मीडिया का प्रोफाइल आपको बताएगा. पर मैंने मथुरा से टिकट आपकी जो आइडियोलॉजी थी मामले में, आपने कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की थी कि उनको फिर से रिस्ट्रेन किया जा रहा है उसको? मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि पार्टी ने मुझसे मैंने उनको बताया था जो मेरी तकलीफ थी और क्या मेरी पीड़ा थी इस मुद्दे को लेकर. और मैंने ये भी जाहिर किया था कि मुझे मेरी पीड़ा इस बात की है कि ये सब जानने के बावजूद, सस्पेंशन के बावजूद भी उनको रीइंस्टेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे फेल करता है. और मैंने ये अपना पार्टी के सारे हाईकमान को बता दिया था. देवा पक्षाची जबाबदारी काय असेल त्यांच्यावर? पक्षाची जबाबदारी काय असेल? आप जिस आइडियोलॉजी से आती है और आपने जिस विचारधारा की पार्टी को जोड़ा था, से जुड़ी थी आप, अचानक से एकदम उसके विपरीत एक पार्टी में आप शामिल हैं, तो शिवसेना ही क्यों? मुझे पता था ये मुद्दा जरूर आएगा और ये सवाल जरूर पूछा जाएगा. आप सवाल ये पूछते हैं कि शिवसेना के बारे में आपका जो मन परिवर्तन हुआ है, वैसा ही मन परिवर्तन आपका बीजेपी के बारे में हुआ है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा कभी भी मन परिवर्तन शिवसेना को लेकर नहीं हुआ था. शिवसेना, मैं मुंबई की होने के नाते शिवसेना से मैंने बचपन से एक जुड़ाव रहा है. और मैं मानती हूँ हर मुंबई कर के दिल में और हर महाराष्ट्र के महाराष्ट्रियन के दिल में, वो देश के कोई भी कोने से आया होगा पर महाराष्ट्र से जो जुड़ा हुआ है उनके दिलों में राज करता है. उसमें कोई मुझे दो भाई नहीं थी, मन परिवर्तन की बात ही नहीं थी. मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, मैं इस पार्टी से आकर जुड़ी हूँ, संगठन से आकर जुड़ी हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. और मेरी लेटर में भी आपने पढ़ा होगा कि पिछले 10 साल में मैंने पार्टी से ना कुछ मांगा और जो भी जिम्मेदारी दी निष्ठा सेवा भाव से दी है. और मैं ऐसे परिवार से आई हूँ जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, मुंबई में वास करता है, मथुरा छोड़कर मुंबई को उसने अपना घर बनाया, उनकी कर्म भूमि बनी. और आज अगर मैं कोई सेवा भाव से किसी पार्टी से जुड़ती हूँ तो मैं सेवा की निष्ठा से जुड़ रही हूँ, किसी पदवी की निष्ठा से नहीं जुड़ रही. पर क्या मैं सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, किसी ने भी आपको रोकने की कोशिश की? अब मैं आगे की लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ रही हूँ. उत्तर चालू राहतेवर एंडिंग है. मला असं वाटतं मी प्रियंकाजींचं शिवसेने स्वागत केलेलंच आहे. त्यांची ओळख करून देण्याची गरज नाही. एक चांगली बहीण शिवसैनिकांना मिळालेली लढवई आहे आणि आपल्या मताशी ठाम राहणाऱ्या निष्ठा आणि शेवटी त्या म्हणाल्या की मी मथुरेत नेते आले आणि माझी कर्मभूमी आहे. प्रियंकाजी आपली जो बात कही है सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र मध्ये पूरे देश में आप शिवसेना के लिए काम करेल. अजूनही जसं उद्या तुम्ही आता विचारत होता की त्यांना नेमकी काय जबाबदारी देणार, मी नक्कीच त्यांना त्यांच्या पूर्णपणे
कुवतीचा व्यक्तिमत्तेचा देशाला आणि शिवसेनेला उपयोग होईल अशा पद्धतीची जबाबदारी त्यांना देईल आणि म्हणून सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आज काही तुम्हाला मिळतील अशी अपेक्षा करू नका. आज मी त्यांचं स्वागत करतोय आणि लवकरात लवकर त्यांना अतिशय चांगली जबाबदारी मी देणार. हमेशा शादी प्रति की बात उठाई थी किया गया है बीजेपी की तरफ से उसको लेकर काफी आज ये मुद्दा एक लोगों के सामने मीटिंग है कल भी है परसों भी है हम बात बोलणार आहे पण आता बोलत नाहीये. आता मला ही जी आपली बातमी आहे ही पहिली बातमी जाऊ द्या. त्याच्यानंतर साधवी असेल संजय असेल या विषयी. मॅडम बुके थोडा चालू करा.